करते हैं, किसी और को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है डिस्ट्रीब्यूटर, टेक इन द सीरियस एंड स्टार्ट बिजनेस इन द डिस्ट्रीब्यूटर। अगर किसी पर्सन को हमारे साथ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसे सीरियस पर्सन होना चाहिए, पहले अपनी लाइफ को लेके वो सीरियस हो। सेकेंड चीज, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसी को दी जाती है, लाइसेंस उसी को प्रोवाइड किया जाता है जो अपना बिजनेस को लेकर सीरियस हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टअप हमारा 1930 में स्टार्टअप हुआ था यूएसए में, यूएसए से स्टार्ट हो चुकी थी हमारी कंपनी, बनते बनते इसको काफी टाइम हो गया था, 1978 में इसका स्टार्टअप हुआ था रियल सही तरीके से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जनरेटर एंड द रिटेल सेल्स ऑफ द यूएसए 18,356 करोड़ इन द 3016 एंड प्रोवाइड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट टू 7-10 करोड़, मतलब 7-10 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग इसमें पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस स्टार्ट कर चुकी थी एंड ओनली सेलिंग के ऊपर काम करती थी। अब इसके बाद में देखते हैं टॉप 10 कंट्री में कहाँ कहाँ चल रही है, हमारा वर्क भी तो चलता है ना, कितनी सारी कंट्रियों में चलता है, तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ पूरे जनरेशन पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना सेल्स होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। यूएसए में ऑलरेडी स्टार्टअप हुआ था, चाइना में चला है, जापान में चल रहा है, कोरिया में, ब्राजील में, जर्मनी में, मेक्सिको में, फ्रांस में, मलेशिया एंड यूके में, तो आप देख सकते हो कितनी सारी कंट्री के अंदर वर्क चल रहा है हमारा ऑलरेडी टॉप 10 कंट्री के अंदर। इसके बाद में आता है इंडिया सिनेरियो देख सकते हैं हम, इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1980 में स्टार्टअप हुआ इसका, इसको फर्स्ट टाइम कौन लेके आए थे, इनका नाम है मनोज रॉयल लेके आए थे 1990 में, ठीक है। एफएमसीजी होती है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, गवर्नमेंट की थ्रू इसको सर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट हेल्थ ऑलरेडी इशू द गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन फिर इंडस्ट्री इंडिया 2016 सन इन द बिग बॉस, 2016 के अंदर बहुत ज्यादा इनने डायरेक्ट सेलिंग को गाइडेंस प्रोवाइड किए, गवर्नमेंट ने भी उसको गाइडेंस प्रोवाइड किए। सब लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब करना है, भाई हमारी भी कंपनी जो है गवर्नमेंट से इंश्योरेंस है, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड कर दी गई है, हमें भी लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम भी एक गवर्नमेंट के अंदर में ही वर्क करना है उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं एफएमसीजी क्या है, एफएमसीजी एक बहुत बड़ी वो होती है जिसके अकॉर्डिंग सर्च किया जाता है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म मैं बताना चाहती हूँ, वो होता है फास्ट ग्रोइंग कंपनी, ऐसे कुछ करके है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, अगर वो कंपनी को अच्छे से जाती है उसके बाद ही इसको प्रोवाइड करती है कि नहीं आप कर सकते हो। टर्नओवर इसका देखो 2025 में होने वाला है 64,500 करोड़ का। अब सोचो 64,500 करोड़ में 60% वुमन होंगी, गर्ल्स होंगी, स्टूडेंट होंगे, अगर इसका 1% भी आपके यहाँ आता है 64,000 तो कितना अच्छा होगा, कितने लक्की होंगे आप लोग 2025 तक में। सोचो अगर आपके पास अभी 10,000 भी आ रहा है तो कम नहीं है, 2025 तक 64,500 करोड़ का 1% भी आया तो बहुत ज्यादा लक्की रहोगे आप, ओके। इसके बाद में देखिए गोल्डन पीरियड इन द नेटवर्क मार्केटिंग इन द नाउ, नेटवर्क मार्केटिंग का ये गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, इसके नाम से ब्रांड बन रही है, क्रिएट हो रहे हैं। दूसरी चीज, आपको भी यहाँ पे एक ब्रांड बनने का, एक खुद की एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो एक नॉर्मल पर्सन होने के बाद भी, अपने ब्रांड क्रिएट करोगे तो कितनी अच्छी बात होगी कि आप अपने ब्रांड क्रिएट कर पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे, राइट। ठीक है, तो हम अगर कोई पर्सन आता है हमारे साथ तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फॉर एवर लिविंग कैन बी कीप, मतलब फॉर एवर को वो किस टाइप से स्टार्ट करें उसके बेनिफिट्स, आप सभी लोग कॉपी पेन के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उसको प्रोवाइड की जाती है, सेकेंड जिन्हें फ्रेंचाइजेस को प्रोवाइड की जाती है, थर्ड में सिक्योरिटी एंड फैमिली जनरेशन तक, तीन जनरेशन तक इनकम प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद में फोर्थ है हमारा खुद के बॉस बनोगे आप लोग, इसके अंदर अपना एक अच्छा अंतरप्रेन्योरशिप स्टार्ट
दिए जाते हैं, साथ में आप वॉचिड और पब्लिक स्पीकिंग। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पब्लिक स्पीकिंग दे रही हूँ आप सभी को। तो एक पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर पर्सनालिटी ग्रो होती है, रिकॉग्नाइज करा जाता है, रिकॉग्नाइज के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो। इसके अंदर लाइफ स्टाइल आपको खुद का बेस्ट बन सकता है, चॉइस आपके ऊपर है कि आपको लाइफ स्टाइल किस तरीके से बनाना है। ओके, इसके बाद में आता हमारा सेकेंड चीज, योर पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती है। मैम थोड़ा स्लो कीजिए, लिखना भी है किस, थोड़ा एक स्लाइड पीछे कर दीजिए जी, क्योंकि लिख भी रहे ना सब लोग। हाँ जी, हाँ जी, वॉइस क्लियर है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है मैम, स्पीड ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, स्पीड ज़्यादा हो रहा है मैम थोड़ा, हाँ थोड़ा रहा। ओके जी, आप कंटिन्यू कीजिए मैम। फ्रीडम अर्ली रिक्वायरमेंट क्वालिटी टाइम विद फैमिली। ठीक है, अपने फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हो, साथ में वर्क भी कर सकते हो। मीटिंग न्यू पीपल, हर टाइम आपको नए नए पीपल्स मिलेंगे, मतलब नए नए लोगों से आपको बात करने का मौका मिलेगा। हेल्पिंग अदर, आप हर पर्सन की हेल्प कर पाते हो। थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, आप देखिए। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब एक और चीज बताई जाती है, लो एंट्री कॉस्ट। लो कॉस्ट एंट्री, ठीक है, यहाँ पे कम पैसे में आपकी एंट्री हो जाती है। सेकंड पॉइंट है जीरो रिस्क कॉस्ट। आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक नॉर्मल पर्सन एक अच्छा हीरो की तरह एंट्री कर सकता है, और लास्ट में अगर वो मैनेजर बन जाता है तो उसकी एक वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, ट्रेंडिंग चेंज। ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है हमारा, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। अगर ट्रेंडिंग बिजनेस आप करोगे, अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, तो आपको पेमेंट के लिए पर्सन रखने पड़ते हैं, अकाउंटिंग के लिए, बैंक लिमिट के लिए, स्टाफ कोस्ट रखनी पड़ेगी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और सिस्टम सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको, इन्वेस्ट कम से कम इन्वेस्ट करना होगा आपको। ठीक है, अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वैसे भी आप सभी लोग को समझ में आ, जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है 8 से 10 दिन में, तो उनको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स हमारी कंपनी जो हमारे चेक बनते हैं उसी में से कट करके आपको देती है। क्या ये चीज आपने नोट डाउन की है? थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, चलिए। अब यहाँ पे आते हैं व्हाई टू पीपल फेल। अब यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट लिखिए, फेल क्यों होते हैं पर्सन, फेल क्यों होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले फेलियर का एक ही रीजन होता है कि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज है अटेंड दिस मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं जो फेल वाले पर्सन होते हैं, उनके ये रीजन होते हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। ब्लेम योर सीनियर, अपने सीनियर को ब्लेम करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है, मीटिंग के बाद में वो खुद को अच्छे से समझते नहीं है। प्रेजेंट बॉडी, जैसे कि यहाँ पे मैं आप सभी को समझा रही हूँ, आपका माइंड कल और होगा कि कल मैं नाइट में ट्रेनिंग नहीं हो पाई है,
तो कल यार आज भी नहीं हो पाएगी, तो क्या होता है प्रेजेंट टाइम में यहाँ हो आपका माइंड नहीं हो रहा है, तो प्रेजेंट माइंड बॉडी डिस्टर्ब, तो ये नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है? प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी। इसके बाद में प्रिंसिपल्स, जो हमारे वर्क के प्रिंसिपल्स है, इसकी इन्विटेशन फॉलो क्लोजिंग, इसके बाद में ट्रेनिंग को डेली बेस में अटेंड करना, फीडबैक देना अपने सीनियर को डेली बेस, सीनियर कॉन्टेक्ट, तो ये चीज वो नहीं कर पाते, इसी कारण से वो लोग फेल हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बुरी नहीं होती है, सभी नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं सिस्टम को लेके चल रही है, तो अच्छे सिस्टम के साथ ही चल रही है, बट रीजन यही होता है फेलियर होने का। आप कई बार डाउनलाइन भी ऐसी कहती है कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, इस टाइप से हम आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, हमसे नहीं होता, हम ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते, तो भाई रीजन यही है। अगर वो जो प्रिंसिपल है उस चीज को भी फॉलो नहीं करेंगे तो वो कैसे सक्सेसफुल बनेंगे? आज बताऊ, मैं हूँ, मैंने स्टार्टअप किया था जब मेरा 700 रुपए चेक आया था, अगर 700 रुपए में छोड़ देती, भाई 700 रुपए में क्या होता है, छोड़ देती तो आज क्या मैं 17,000 रुपए का चेक उठा पाती? पॉसिबल ही नहीं है कि 17,000 का चेक उठा पाती, ना मेरा फर्स्ट अचीवमेंट होता ना सेकंड होता, तो क्या होगा भाई? फेलियर नहीं होना, मुझे सक्सेस बनना है ना अपनी लाइफ में, तो जो चीजें हैं फॉलो करने की तो आपको फॉलो करना पड़ेगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सिस्टम वही है, आपको भी वही लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वही लोगों से मैंने सीखा है। आज भी मैं सारी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, बहुत कम है बाई चांस मेरी ट्रेनिंग मिस होती है, अन्यथा मैं सारी ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। ओके, ये होगा सूरज सर? हाँ जी मैम, हो नोट डाउन कर लिया सूरज सर? यस मैम। ओके सर, अब ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, एक चींटी दिखाई दे रही है। चींटी का क्या है, वो बार बार पहाड़ पे चलती है, चढ़ती है चढ़ती है, वो 10 बार गिरती है, 10 बार गिरती है, फिर 11वीं बार में जरूर वो सक्सेस हो जाती है, अपने उस पे चढ़ जाती है पहाड़ पे। तो पहाड़ पे चढ़ने का रीजन क्या होता है, वो यहाँ पे एक सीख दे रही है कि बार बार अगर हम फेलियर हो रहे हैं तो एक बार हम जरूर सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है? रेगुलर वर्क करने के साथ ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है? तो सीरियस पर्सन को ही स्टार्ट करना चाहिए, ना कि नॉन सीरियस पर्सन को, ठीक है? लेक ऑफ ड्रीम, अगर कोई पर्सन फेल हो रहा है बार बार या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने फेल होने का रीजन तो बहुत अच्छा होता है कि मैं भी फेल हुई हूँ तभी तो सक्सेसफुल बनी हूँ। फेलियर से हमें सीखना चाहिए हमेशा, अपने ड्रीम के द्वारा फोकस होना चाहिए, और जिस तरीके से हमको वेलनेस बनना है तो वेलनेस के अकॉर्डिंग हमें लर्निंग लेनी पड़ेगी, लर्निंग के साथ अर्निंग होगी, ये भी आपके पास होना चाहिए। अपने ड्रीम के द्वारा फोकस, लैक ऑफ फोकस, अपने टीम के साथ अपने को फोकस होना है, टीम को सिखाना है, आगे लेके साथ में लेके चलना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक चींटी भी आपको सीख दे रही है, देखो सीख छोटा देता है या बड़ा देता है ये मायने नहीं रखाता, बट आपको सीख कौन दे रहा है ये जरूर मायने रखाता है, सही? क्या ये नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? दरअसल नोट डाउन हो चुका है आपका? यस मैम। ओके, आप देखिए यहाँ पे हमें थॉमस एडिसन ने भी एक बल्ब जो होता है, आज हम जिसकी रोशनी में बैठे हुए, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलसीडी बल्ब है, तो इसकी एक खोज की गई थी। आई हैव नॉट फेलियर, आई लाइव जस्ट फाउंड 10,000 बार डेट वॉन्ट टू वर्क। मैं 10,000 बार फेल हुआ हूँ, सोचो 10,000 बार थॉमस एडिसन है, बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हुए हैं, सोचो 9,999 बार फेल हो चुके हैं, 10,000 में वो पास हुए हैं। तो आज उनको नॉलेज है कि 9,999 बार वो फेल क्यों हुए थे, आज उनसे नॉलेज ले सकते हैं कि तार कौन से कहाँ फिट होते हैं, कौन सा कांच किस तरीके से फिट करना है, किस तरीके से हमें बल्ब बनाने हैं, तो उनको नॉलेज मिला ना, फेल होने के बाद उन्हें नॉलेज मिला, तो आज सक्सेसफुल है वो, आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उनका नाम जाना जाता है, थॉमस एडिसन पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व में जन्मदाता माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं बल्ब के। अगर आज वो इतने बार फेलियर नहीं होते, आज वो बल्ब के निर्माण नहीं करते, तो हम आज भी अंधेरे में होते, चिमनियों में रह रहे होते, केरोसिन को यूज कर रहे होते, बत्तियां जला रहे होते, बस इतनी सारी सुविधा नहीं होती।
अगर लाइट से आप कितने सारे फ्रिज चलते हैं, कूलर चलते हैं, टीवी चलते हैं, लैपटॉप चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, कितने सारे मशीनें हैं जो अपने लाइट के थ्रू चलती हैं। अगर लाइट का निर्माण नहीं करते, बल्ब का निर्माण नहीं होता, तो क्या हम इतने सक्सेसफुल हो पाते? क्षमता थी हमारे अंदर? नहीं थी ना, नहीं बन पाते। ठीक है, अब यहाँ पे एक वीडियो है, तो आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हो। मैं इसको एक वीडियो दिखाऊंगी तो शायद वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगी। सर वीडियो की वॉइस आ रही है आपको? नहीं मैम, वॉइस नहीं आ रही। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है तो मैं वीडियो का मैं बता देती हूँ क्या है। वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर एक चीज बताई गई है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम दो तरह की फसल लगाते हैं, एक फसल वो होती है जो 4 महीने में रेडी हो जाती है, सेकंड फसल होती है जो 4 साल में रेडी होती है। ठीक है, फर्स्ट फसल वो होती है गेहूं की है, जिसको हमको 4 महीने में लगाए, पानी वगैरह दिया, अच्छे से बीज खाद डाला और अच्छे से फसल तैयार हो गई, काटा पीटा मार्केट में बेच के आ गए, तो 4 महीने के अंदर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, इवन सोयाबीन की भी हो जाती है। इसके अंदर हमने एक आम का पेड़ लगाया, उसको 4 साल तक पानी देना, खाद देना, उसको जानवरों से बचाना। 4 साल के बाद अगर वो फल देना स्टार्ट करता है, 1 साल में ही वो इतने फल दे देगा कि आपकी 4 साल की मेहनत कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 4 साल के लिए सक्सेसफुल बनने आए हो, तो 4 साल का विजन विजन दोनों चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं 4 महीने में सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, जब 4 साल कंटिन्यू मेहनत करूंगा एक दिन जरूर बन जाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि आपको 4 साल करनी पड़ेगी, अगर 2 साल दिल से मेहनत कर ली तो 2 साल के अंदर अपना सीनियर मैनेजर मैनेजर क्वालिफाई करके जरूर 100% आप बन पाओगे। ओके, अब यहाँ पे आता है, देखिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे केयरफुली सुना है एंड यहाँ पे निडर होके आपको काम करना है, फॉरएवर के अंदर निडर होके काम करना है, बिल्कुल किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है। ओके, किसी भी चीज से डरना नहीं है, अच्छे से काम करना और स्टार्ट करना है अपना काम। तो ओनली 10 मिनट्स बचे हैं, तो यहाँ पे मैंने अपना सेक्शन कंप्लीट किया है। अगर किसी भी पर्सन के कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है या लास्ट का नहीं आया या स्टार्टिंग का नहीं आया, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी बात है। अरुण सर यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? अरुण सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस मैम क्लियर है। ओके सर। करण सर आपको? करण सर अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। ऑप्शन आ रहा होगा सर, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो ठीक है, और किसी पर्सन के क्वेश्चन है यहाँ पे? शिवम सर आपके क्वेश्चन है, विकास सर आपके, किसी भी पर्सन के वो पूछ सकता है। सब कुछ के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ समझ में आया है, और मैंने तो इसके लिए सोर्स लेके भी रख लिए, और कहीं पे नहीं मैं तो इसके सोर्स से लिख लूंगा। ओके गाइस, आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सेशन का, तो रिकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, यूट्यूब पे डल जाएगा। आप जो भी मिस कर देते हैं, पर्सन देख नहीं पाते हैं, तो उनको आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग भी होती है वेबिनार की, मॉर्निंग की, तो सब मिल जाएगी आपको। यस मैम, चित्रा मैम आपको वीडियो सेंड कर दूंगी मैं। ओके, कोई पर्सन के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आई होप कि आप सभी को मैं जो तरीके से समझा रही हूँ कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो अपने सीनियर से जरूर पूछिएगा, अगर नहीं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप ले सकते हो, उनसे भी मेरे से कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच गिविंग फॉर, आपने अपना प्रेसिस टाइम दिया और इतने अच्छे से मुझे सुना समझा, और क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज है आपको, ये मेंटेन नहीं रख रहा था।
फॉर नॉलेज, मैंने आप सभी को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड किया है, एंड कहीं भी कोई भी इश्यू होता है तो मुझे जरूर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, एंड अटेंडेंस लगा दीजिए आप जिस भी ग्रुप से आपको ट्रेनिंग का लिंक मिला था। आई होप कि आप सभी लोग सब अच्छे से रिव्यू भी दोगे, अपने जो भी चीज़ सीखने को मिली है उसका 30 सेकेंड का 15 सेकेंड का एक वीडियो जरूर बनाइएगा इस ट्रेनिंग से जो भी सीखने को मिला है। रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग का भी दे सकती हूँ, एंड सबसे अच्छा तो वीडियो के द्वारा समझ में